सिवान के हुसैनगंज स्थित न्यू राजेंद्र इंग्लिश स्कूल में फहराया गया झंडा और साथ ही साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज़ादी के मौके पर मैं भारतवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। एक अनेकता में एकता की पहचान हमारा हिंदुस्तान है। और आज हम जो प्रोग्राम देते हैं उन शहीदों को याद करते हैं जिन शहीदों ने अपना खून देकर, अपनी कुर्बानी देकर हमें इतनी कीमती चीज़ देकर चले गए। इसलिए हम हर साल उन शहीदों को याद करते हैं। और इनके इसी के साथ मैं ये शेर कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है सारे मुल्कों से नंबर वन और आगे है। इसलिए कि आज हिंदुस्तान हमारा बहुत तरक्की कर चुका है और इंशाअल्लाह आगे भी तरक्की करता रहेगा। और इसके लिए हम लोग जी जान से कोशिश करेंगे। हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ और हैं। मैं बशीर हुसैन, न्यू राजेंद्र इंग्लिश स्कूल, हुसैनगंज। देश की आज़ादी के मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? भारतवासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा संविधान बहुत दिनों से लागू हुआ है और आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी के मौके पे आज हम छोटे छोटे अपने बच्चों से छोटी छोटी झांकी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं अपना हौसला अफजाई करना चाह रहे हैं। और आप लोग से गुजारिश है कि उन छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम देखकर और उनका हौसला अफजाई करें और उनका थोड़ा सा हौसला बुलंद करें।